चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव, क्या होना चाहिए? तो देखो सबसे पहली बात, जो हिस्टेरेसिस कर्व हम बनाते हैं वो कर्व कुछ ऐसा होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, ये कुछ इस तरह का हिस्टेरेसिस कर्व होता है, हिस्टेरेसिस, ठीक है, कर्व है ये, करेक्ट। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि इंड्यूस हुई है। अच्छा, जब आप ये ग्राफ में, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इसको मैं ये पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ, ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट है। उसके बाद जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एच इज इक्वल टू एन आई, ये वैल्यू डिक्रीज करोगे, पहले तो इंक्रीज किया आपने, बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाया, उसके बाद जब आप डिक्रीज करोगे, इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करोगे, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स की वजह से यानी एटम्स की वजह से जनरेट होती है वो कम होने लगेगी, और ये यहाँ पर जाके जब आपने एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं वो अगर जीरो कर दिया यहाँ पर इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे क्या हुआ, एच इज इक्वल टू जीरो हो गया, लेकिन तब भी कुछ एटम्स अभी भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं उस मटेरियल में, तो इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। और ये जो पोर्शन है, अगर मैं और उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करूं, एच की वैल्यू निगेटिव यानी करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दूं, करंट की डायरेक्शन अगर ये निगेटिव होने का मतलब क्या है, आपने जैसे पहले आपका करंट ऐसे जा रहा था, ये बैटरी का सेल का पॉजिटिव निगेटिव था, अब आपने क्या किया, उल्टा सर्किट में सेल का पॉजिटिव और निगेटिव रिवर्स कर दिया, तो आपका एच निगेटिव होने लगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी सर्किट में, अब इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगी, तो क्या होगा, कुछ जो मैग्नेटिक डोमेन्स थे जो कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे मटेरियल में, अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए, यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ जीरो हो गई, इस पॉइंट पे बी की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, करेक्ट है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं कोअर्सिविटी, कोअर्सिविटी जिसको करेक्टिविटी भी बोलते हैं, कई बुक में आपको करेक्टिविटी के नाम से लिखा होगा, लेकिन ये क्या है, कोअर्सिविटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि कोअर्सिविटी कम होनी चाहिए और रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, रिटेंटिविटी टी हाई होनी चाहिए और कोअर्सिविटी, कोअर्सिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है ना, हाई रिटेंटिविटी लो कोअर्सिविटी, हाँ सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन यही परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा अगर, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हो गया, ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होगा, रिटेंटिविटी क्या होगी, हाई होगी और कोअर्सिविटी भी हाई होगी, ये दोनों ही हाई होगी, ये पॉइंट याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।